हिंदू साधु वैष्णव पुरी को तांको बिना अभियोग रे चौद्वार जेल रे दीर्घ 20 दिन हेलानी रखी दिया जाय छै सेति पई बाबा वैष्णव पुरी को र पुरी को किभले भाबे रे न्याय मिलिबो एवं तांको बिना दोष रे किभले भाबे रे चौद्वार जेल रो कढा जाय परबो सेति पई धर्म रक्षा मिलित संघ पक्ष रो आजि मास्टर कैंटीन थारे धारणा दिया जाय छै एवं से माने विक्षोभ करचोन किभले भाबे रे बाबा वैष्णव पुरी को सम्मान जणाई तांको बाहर कर जाय परबो जेल रो हम सहित सदस्य माने अच्छा धर्म रक्षा मिलित संघर तक सहित सीधा सड़क आलोचना करवा केमती कौन बाबा से माने आज धारण में बस पुरी रे जो नागा बाबा साधु को जो गिरफ्त कर तार प्रतिवाद आज आम ये विक्षोभ करुचु आगामी दिन में सरकार जदि यथाशीघ्र खलास नक आंदोलन आहरी तीव्रतर हे सारा ओडिशा रे प्रत्येक जिल्ला रे आंदोलन हम समस्त हिंदू संगठन मिसिकी हिंदू धर्म सनातन धर्म को रक्षा करने आम राजरास्ता को ओल्लबू एवं सरकार को राजरास्ता को टाणी आणबू धन्यवाद आपण शुणुले जहाँ कहते धर्मरक्षार कर्मचारी मैंने आज जे साधु अच्छा जे कि बाहर बाहर राज्य आहत सीधा सड़क कथा जे कि हरिद्वार आसी मैं हरिद्वार से आया था उसको लेने के लिए वैष्णोपुरी को और यहाँ आने के बाद हमको खबर लगा कि जगन्नाथपुरी की प्रशासन और उड़ीसा सरकार ने उसको जेल में डाल रखा है। तो ये साधु संतों के प्रति अत्याचार है, ये सब ठीक नहीं है और हमारे साधु को जल्द से जल्द बाहर किया जाए। और जो यहाँ की सनातन धर्म की जो एक प्राचीन स्थापना जो जगन्नाथपुरी है, जिसको जगन्नाथपुरी धाम से जाना जाता है, उसको यहाँ की सरकार निवाला बना के भात के साथ खाना चाहती है। सनातन धर्म का कोई नाम नहीं रहने देना चाहती है। हमारे साधु वैष्णोपुरी को जल्द से जल्द उसको बाहर किया जाए, जो उसको हम वापसी ले जा सके। हरिद्वार कुंभ मेला में हमको जाना है, 9 अप्रैल का हमारा टिकट है, 12 अप्रैल का हमारा शाही स्नान है। हम हरिद्वार से उसको लेने के लिए आए हुए हैं, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि उसको जेल में डाल रखा है। एक बैरिकेड ही तो हटाया है, किसी का मर्डर तो नहीं किया ना उसने, है ना? किसी की चोरी डकैती तो नहीं की है ना? दर्शन करने के लिए यदि भगवान के सामने का बैरिकेड हटा दिया तो उसमें आप क्या जेल में डाल देंगे? ऐसे तो कितना सिग्नल तोड़ता है गाड़ी वाला, गाड़ी वालों को सबको जेल में डालो, है ना? तो ये सब ठीक नहीं है जो भी है। हम और किसी प्रति के राजनीति के प्रति कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतना ही कहना चाहते सनातन धर्म के प्रति कि हमारे साधु संत जो भी हो रहा है ये सब ठीक नहीं है। हमारे वैष्णोपुरी को जल्द से जल्द बाहर किया जाए तो ही सरकार की उसमें भलाई है, नहीं आगे क्या होगा। ये भुवनेश्वर सिटी में सनातन धर्म के प्रति जितने ही भक्तजन हैं सभी एक साथ मिलकर आंदोलन करेंगे, आगे वो सरकार जाने क्या होगा फिर हम नहीं कह सकते। जनता है ये भड़क गई तो फिर क्या होगा? सरकार पहले सनातन धर्म को निवाला बनाए खाना चाहती है, फिर जनता सरकार को निवाला बना के खा जाएगी। तो उससे पहले ही हमारे वैष्णोपुरी साधु को छोड़ दिया जाए तो ही अच्छा है। जय श्री राम, ओम नमो नारायण। कि बाबा मैंने कि से मैंने बाबा वैष्णव को किभली भाव में चौद्वार जेल रु बाहर करना निर्दोष जो अभियोग कर जेल रे पूरा जाए केमती कड़ा जीव से आज राजरास्त धारण में बस आर दाबी रही कि बाबा वैष्णव पुरी को सम्मान सह जेल रु बाहर कर दि जातु। भुवनेश्वर भिडियो जर्नालीस्ट प्रशांत सहित चिन्मय साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज।